हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग से सुपर इजी कॉल मी स्पेल के बारे में। सो बेसिकली ये स्पेल उन लोगों के लिए है, मुझे एक्चुअली बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं बहुत सिंपल पेपर स्पेल शेयर करती हूँ, मैं और ऐसे स्पेल्स को शेयर करूँ, तो कॉल मी स्पेल आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये स्पेल उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैसेज या कॉल अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली मैंने इसको जितना यूज़ किया है, मैंने इसे कॉल के लिए ही यूज़ करा है, मैंने कभी इसे मैसेज के लिए यूज़ नहीं करा है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसे इशूज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आप प्रोसेस को पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करते हो, ये स्पेल बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से काम करता है। एंड एक और चीज़, अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, डाउटफुल एनर्जी है कि यार ये कैसे होगा, काफ़ी टाइम से कॉल या मैसेज नहीं आया, कैसे आएगा कॉल या मैसेज, ये सी इट्स नॉट जस्ट फॉर कि लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही केस हो, सिनारियो हो, इससे आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर पापा मम्मा एनीवन, ठीक है। तो आप इसे किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ अपने माइंड में इस इंटेंशन को रखना है कि कॉल आ चुकी है एंड फील गुड अबाउट इट एंड फील पॉजिटिव अबाउट योर इंटेंशन। सो ये तभी काम करेगा आप नेगेटिविटी के साथ में स्पेल को करोगे। लेट्स सी होता है नहीं होता है, डोंट नो होगा कि नहीं होगा, देन प्लीज़ मत करो, फिर छोड़ दो, फिर रहने दो। बट हाँ, अगर आप पूरी एक यू नो पूरी विल एंड इंटेंशन, अच्छी स्ट्रांग इंटेंशन के साथ इसे करते हो, अच्छे से लेट गो करते हो, देन येस दिस विल वर्क फॉर यू। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पेल क्या है। सो बात कर लेते हैं स्पेल की, कैसे करना है। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, क्लाउड बनाना है। मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू कलर इज द कलर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप चाहें तो ब्लू कलर का पेन यूज कर सकते हैं, बट अगर आप यू नो लव रिलेशनशिप या कुछ ऐसा भी करना है, पिंक भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लू कलर भी ले सकते हैं, देर आर नो रूल्स। ब्लू या फिर पिंक आप इसमें चूज कर सकते हैं। पहले आपने क्लाउड्स बनाने हैं। एंड सी क्लाउड्स कैसे बन सकते हैं, कुछ ऐसा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा ड्राइंग है कितना बेकार है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लाउड्स यहाँ बना ली हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एंजल विंग्स बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट मैं क्लाउड्स प्रेफर करती हूँ पर्सनली, बिकॉज मैंने ये ट्राई किया है तो मेरे लिए क्लाउड्स अच्छे से काम करता है, सो आई वर्क विद क्लाउड्स। क्लाउड्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है कॉल मी, उस पर्सन का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। उस पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। सपोज करते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए इसे कर लेती हूँ, एंड सी इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही कर सकते हैं, आप इसे अपने पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग किसी के लिए भी कर सकते हैं, दे आर नो रूल्स। सो आई एम गोना राइट हियर खंडेलवाल, दिस इज हर नेम, एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, इसको 3 बार अंडरलाइन करना है, 1, 2 एंड 3। कॉल मी राधिका, ठीक है, आपने 3 बार इसको अंडरलाइन करना है। एंड एक और चीज़ यहाँ मैं बोलूँगी, वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फील द फीलिंग्स, यू हैव टू ऐड दोज इमोशंस, एंड आपने ऐसे अपने माइंड में इस इमेज को या जो भी आपके माइंड में यू नो पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं कि वो पर्सन आपको करंटली कॉल कर रहा है, या फिर उस पर्सन ने आपको कॉल कर ली है, या फिर आप सिंपली अपने माइंड में देखें कि आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है उस पर स्पेसिफिक पर्सन की कॉल आ रही है, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर स्पेल। एंड 3 लाइन ड्रॉ करने का यहाँ पे एक और मतलब भी है कि ये आपके स्पेल की पावर को 3 टाइम्स बढ़ा देगा। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको एक छोटा सा यू नो उस पर्सन के लिए लेटर लिखना है। उस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से कॉल नहीं करा है, तो आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे ऐड करना है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी आप इसे इंग्लिश हिंदी किसी में भी कर सकते हैं, दे आर नो रूल्स, या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। सो हाँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंने लिखा है आई मिस यू राधिका खंडेलवाल, एंड अगेन यू हैव टू अंडरलाइन इट 3 टाइम्स, ऐसे करना है, ठीक है। उस नाम के नीचे आपने फिर से 3 लाइन्स करनी है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, पे कुछ ऐसे लिखा है, आई रियली वॉन्ट्स टू हेयर फ्रॉम यू, आई रियली लव यू, आई मिस यू, आई मिस आर कॉन्वर्जेशंस, आई मिस योर स्वीट वॉइस, यू आर इन माई हार्ट, लाइक जो भी आपके दिल में है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मतलब जैसे भी आपको समझ आता है। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको यही सेम कॉपी करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट जो आपके दिल में आता है, जो आप उस पर्सन को बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड
यू डोंट हैव टू राइट एज इफ इट्स डन इन दिस सिनेरियो. यू कैन सिंपली राइट वट एवर यू गेट इन योर हेड. जो भी आपके माइंड में देखो आता है वो आप इसे लिख सकते हो. इट्स नॉट कि आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है. जो भी आपके मन में आता है उस पर्सन से रिलेटेड आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो. अब एंड में आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉल में लिखने के बाद 1, 2 and 3 दैट इज इट. ये 3 बार यहाँ पे हो गया. इसके बाद आपने लिखना है सिंपली आपने क्या करना है, योर्स लविंगली अपूर्वा शर्मा, जो भी आपका नाम है आप वो लिख सकते हैं. बट सी दिस स्पेल विल नॉट वर्क बिकॉज ये मैंने सिंपली आपको लिख के बताया. दिस स्पेल विल नॉट वर्क. अगर मैं इसमें अपनी इंटेंशन अपनी एनर्जी डालती हूँ तभी ये स्पेल काम करेगा. सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ, इंटेंशन इज द की ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. सो एक और चीज़ यहाँ पे वेरिएशन आप कर सकते हो. आप इसको प्लीज कॉल मी को बोल्ड यू नो अपर केस में भी लिख सकते हो, लाइक प्लीज कॉल मी. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ. कॉल मी आप इसको अपर केस में यानी कि बड़े लेटर्स में भी लिख सकते हैं. एंड फिर अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, प्लीज इसको मत भूलना. सो बेसिकली क्लाउड्स जो है ये आपका मैसेज उस पर्सन तक कन्वे करेंगे. एंड वाइल डूइंग दिस वाइल परफॉर्मिंग दिस स्पेल यू हैव टू विजुलाइज एंड फील द फीलिंग एज इफ इट्स ऑलरेडी डन. ठीक है, भले आप जो भी चीजें कर रहे हो बट यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड दैट येस इट्स डन. एंड एक्साइटेड फील करना है अपनी विश के लिए कि जैसे कि वो चीज हो चुकी है. अब आपने क्या करना है, आपने इसको 5 times फोल्ड करना है. एंड फोल्ड करते हुए यू हैव टू फील द फीलिंग कि एज इफ उस पर्सन ने आपको कॉल कर दी है. जस्ट फील एक्साइटेड एंड फोल्ड करते हुए इसको प्रेस करते हुए यू हैव टू पुट दैट इंटेंशन लाइक येस इट इज डन. दिस इज 1. राधिका ने मुझे कॉल कर दिया है. एंड जस्ट थिंक दिस इन माइंड और विजुलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि आपका जो काम है आपकी जो विश है वो हो चुकी है. 1, 2, 3, 4 एंड फोल्ड करते हुए अपने इंटेंशन के बारे में सोचना है, एक्साइटेड फील करना है. प्लीज मैं इस पर बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ जिससे कि आप इस पर यू नो गलती ना. ये आपका स्पेल अब रेडी हो चुका है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, इसको अपने पिलो के नीचे रखना है, इसके ऊपर सोना है. ठीक है. सेकेंड चीज, दिन के टाइम पे आप इसे अपने वॉलेट में पर्स में या फिर अपने पास रख सकते हैं. अदरवाइज अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट इसको अपने पिलो के अंदर रखें जहाँ सिर्फ आप सोते हैं, मैट्रेसेस के नीचे जहाँ पे आप सोते हैं. तो आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं एंड ये आपके लिए काम करेगा. एंड प्लीज़ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि प्लीज़ आप यू नो बिल्कुल भी डेस्परेट मत होना चीज़ों को लेके कि वाई इज़ इट नॉट वर्किंग और ऐसा कुछ. ये कभी कभी टाइम लेता है बट कभी कभी ये इंस्टेंट भी काम करता है. तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड ऑफकोर्स एनर्जी आप कितना पुट कर रहे हो, कितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंशन है, रिजल्ट्स उसी हिसाब से वेरी कर सकते हैं. फॉर मी कभी कभी इसने 24 hours में काम किया, कभी कभी इसने 1 week में भी काम किया है. एंड हाँ, अगर आपने उस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ उसको हटा दो. या फिर आपने फेसबुक पे ब्लॉक किया हुआ है या फिर अपने कॉल पे लाइक फ़ोन में ब्लॉक किया हुआ है, तो जो भी वो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटा दो जिससे वो पर्सन आपको कॉल कर सके. ठीक. एंड जब आप ऐसा करोगे ऑब्वियसली आप उस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली आओगे. तो प्लीज़ जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपने अगर कर रखे हैं 1 person अपनी तरफ से गुस्से में जो भी है आपका, प्लीज़ हटा दो फिलहाल के लिए उसको. एंड हाँ, एक लास्ट चीज़, आपको डेस्परेट नहीं होना है कि क्या चीज़ होगी कब कैसे होगी, क्योंकि वो चीज़ फिर स्पेल में हिंड्रेंस क्रिएट करेगी. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है. सोचो कि आपने कुछ किया ही नहीं है, दैट इज़ इट. ठीक है, जस्ट इस चीज़ को करके भूल जाओ तो बेटर होगा. इसको अपने पिलो के नीचे रख दो एंड उसके बाद डेली आओ एंड सो जाओ. अगर आपका पॉसिबल नहीं है पूरे दिन या रात पिलो के नीचे रखना इसको, तो आप दिन के टाइम में इसको अपनी वॉलेट या पॉकेट में रख सकते हो. आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपका वॉलेट में रखना पॉसिबल नहीं है तो आप इसको अपने फ़ोन के पास ऐसे रख सकते हो. मेरा पेपर काफ़ी बड़ा है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका पेपर भी बहुत बड़ा हो. आप छोटे पेपर में भी इसे कर सकते हैं. इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं इसके केस में, लाइक दिस. ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं. सो यार, 5 की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए. मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.